मैं ये डैम सेफ्टी बिल 2019 का समर्थन में खड़ा हूँ और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये बिल को फिर 2019 का बात अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं ये सिलेक्ट कमेटी जाने का जो बात कर रहा है इसको विरोध करता हूँ। इसीलिए सर मैं देखा जितना हम लोग का सांसद है विरोधी का सब आदमी ये बात बोल रहा है क्या फेडरल स्ट्रक्चर का बात बोल रहा है कोई, लेकिन दाम का स्ट्रक्चर का बात नहीं बोल रहा। दाम का स्ट्रक्चर का बात बोलना चाहिए जो बिल में है उसका बात बोलना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर का बात बोलने के लिए संसद है, ऑल द एमपीज वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। सो अगर स्टेट्स का कुछ क्षति होगा तो हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हम लोग पार्लियामेंट में बोले। हम लोग जो वी आर रिप्रेजेंटेटेड बाई द स्टेट्स। सो राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेडरल स्टेट को कुछ क्षति पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसीलिए मैं चाहता हूं क्या आप लोग सोचिए डैम का बारे में, डैम का सेफ्टी क्या हो सकता है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं कि ये डैम सेफ्टी बिल लाया है और इसका जो हाइट का बात बोल रहा है उसका नीचे छोटा डैम का भी सेफ्टी का बात आना चाहिए, क्योंकि छोटा डैम को भी इसमें कवर करना चाहिए। और कुछ तो अथॉरिटी चाहिए जो डैम को देखेगा, डैम को इंस्पेक्शन करने के लिए, डैम को देखने के लिए, इसका टेक्निकल चीज कुछ करने के लिए कुछ तो अथॉरिटी चाहिए। जो अथॉरिटी यहाँ पर लाया है स्टेट नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड अदर्स, जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसको बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ ये इस कारण से बोल रहा हूँ सर, आसाम में एक 2005 से एक डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोअर सुबनसिरी डैम जो अभी वीरेंद्र प्रसाद बैसो जी ने बोला, इसका कोई मालिक ही नहीं है। मेरा पास नवम रेबिया जी बैठा हुआ है, ये बोल रहे हैं सुबनसिरी का कुछ नहीं होगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम जो है डाउनस्ट्रीम पूरा आसाम में है और क्षति पहुंचेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड को, माजुली को। तो डाउनस्ट्रीम के लिए एनएचपीसी काम कर रहा है, लेकिन कोई कन्विंस नहीं है कि एनएचपीसी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कन्विंस कराने के लिए अथॉरिटी नहीं है कि आप बोले ये डैम इज गुड, स्ट्रक्चर इज गुड। बार बार ये बात बोल रहे हैं ये सेस्मिक जोन में है, कभी अगर फटेगा तो आदमी मरेगा, ऐसे हम लोग का वहाँ पर बहुत सारे ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिसका कारण से ऑल द पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट दिस डैम। क्योंकि ये डैम को कोई बोलने वाला नहीं, एनएचपी को कोई विश्वास नहीं करता है। एनएचपीसी 2005 से यहाँ पर जयराम रमेश जी बैठा हुआ है, वो एनवायरमेंट मिनिस्टर था, वहाँ पर भी गया था 2010 में, वो भी कन्विंस नहीं कर पाया शायद, इसीलिए यहाँ से गया टर्बाइन को ब्रह्मपुत्र में, बहुत महीने तक उसको बंद करके रखा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन होने से उसका झमेला होता है। इसीलिए डैम का जो सेफ्टी बिल आया है इसका मैं मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूँ, कोई बिल में पूरा डिटेल्स लिखा है, वो डिटेल्स लिख के ये बात बोला है कैसे होगा। आप लोग अपील का बात बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर है, वो अपील तो डेफिनेटली होगा। ये नहीं है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हर समय सेंट्रल गवर्नमेंट का बात आप लोग उठा रहे हैं। मैं अपोजिशन को रिक्वेस्ट करता हूँ क्या अगर जब बीमारी होता है कोरोना तो आईसीएमआर के ऊपर डिपेंड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है तो सीआरपी के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसमें इसका जो क्षति पहुंचेगा कभी हो सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नथिंग एल्स, ये तो सेपरेट नहीं है, ये सेपरेट सिस्टम है। बार बार आप लोग कहाँ लिंक लगाते हैं, काला आइन क्या 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 कुछ बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हो एग्जाम काला बिल, काला बिल काला व्हाइट का नहीं है। आप लोग सोचिए बांध का अगर कोई डैम का क्षति पहुंचेगा तो कौन देखेगा। सो टेक्निकली जो बात अभी यहाँ पर पहुंचा है, चीफ इंजीनियर का नीचे चीफ इंजीनियर को यहाँ पर मेंबर बनाया गया है, सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयरमैन को बनाया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन, आई डोंट थिंक दैट सेंट्रल वाटर कमीशन कुछ गलत सजेशन देगा, सेंट्रल वाटर कमीशन गलत सजेशन देना नहीं है। मैं मंत्री जी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नया डैम बना है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत डैम बन रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को पता है कैसे पानी का झीलता है, पूरा फ्लड होता है, तो ये जो डैम बना है लोअर सुबनसिरी जिसको गेरुका मुख में है एनएचपीसी बना रहा है, इसमें मैं सोचता हूँ क्या अरुणाचल का जो पानी है उसको रुकवा के इसको इरीगेशन पावर एंड अदर थिंग्स जो काम में लगाने वाला चीज में इसको थोड़ा एंगेज होगा। इसीलिए जिसको पता नहीं है, अभी बिहार का सांसद जी भी बोला है उसमें तो मांग क्या है और डैम बने, लेकिन ये डैम साइंटिफिक हो इसका गारंटी डेफिनेटली स्टेट विल टेक, स्टेट्स तो लेगा ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी रहने से रेगुलेशन अगर बनता है तो अभी तो बिल आया है उसके बाद तो डेफिनेटली रेगुलेशन वो आएगा, तब तो
इसमें कुछ जो कमियां हैं इसको ठीक करना चाहिए, जो कमियां हैं इसको बाद में इसको जोड़ेगा। मैं इसीलिए इस बिल को पूरा सपोर्ट करता हूं और हम लोग का पार्टी लाया ये बात नहीं है। जैसे मैं फिर भी बोला 1982 से एक बिल चल रहा है जो लोअर सुबनसिरी दाम और अभी अभी दो तीन दाम बन रहे हैं, नगा नदी दाम बन रहे हैं, इसमें क्या मटेरियल यूज होगा, क्या टेक्निकल सपोर्ट होगा, स्ट्रक्चरल कैसा होगा, इसको पूरा यहाँ पर विवरण है। ऑपरेशनल बात डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ऑनरेबल मिनिस्टर ने, स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन दायित्व दिया है, इसमें सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, इन लोग सब मिलकर जो सजेशन देगा इसका डेफिनेटली स्टेट का इंटरेस्ट देखेगा। लेकिन मैं मंत्री जी से एक बात भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डैम तो ठीक है लेकिन डाउनस्ट्रीम में भी थोड़ा देखना चाहिए। अभी जो डैम बन रहे हैं डाउनस्ट्रीम में बहुत डिस्टर्बेंस होगा बोल के इसको रुकवा गया है। अभी NHPC ने 30 किलोमीटर का खाली ओनली 30 किलोमीटर का गारंटी लिया है, पूरा डाउनस्ट्रीम का जितना लंबा तक इसका इफेक्ट होगा इसको भी देखना चाहिए। नहीं तो आदमी का मन में हमेशा ऐसे होता है क्या ये वाटर बम है, ये कभी फटेगा, ये कुछ होगा, ऐसे ऐसे हर डैम का नीचे आदमी लोग का ये बात उन लोग का मन में आता है। तो गारंटी देने के लिए आप लोग जो बात बोल रहे हैं, हम लोग का गवर्नमेंट ने जो किया है इसको और भी हम लोग का ओपोजिशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी जैसा बोल रहे मैं तो अभी बिल में देख के हैरान हूँ कि 75 डैम्स मोर देन 20 ईयर्स, 227 डैम्स आर मोर देन 100 ईयर्स, और महाराष्ट्र में 2394, MP में 906, गुजरात में 632, ऐसा इतना डैम है, इसको देखने के लिए कोई अथॉरिटी का जो चिंतन किया है इतना दिन का बाद, आफ्टर 40 ईयर से चिंतन, ये चिंतन राइट वे में जा रहे हैं। और इसको ऐसा नाम समझना नहीं चाहिए क्या खाली फेडरल स्ट्रक्चर का बात आप लोग बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट डेफिनेटली दे विल लुक। GST में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, GST में अभी काम कर रहा है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट आया है सब में स्टेट गवर्नमेंट का कभी भी मैं नहीं सुनता हूँ। मैं भी हम लोग का भी स्टेट गवर्नमेंट है, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम दे डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट स्विच से ये वाटर पानी का ऊपर में आप लोग झगड़ा करता है, आप लोग झगड़ा को कमाना कम करना चाहिए। कावेरी का वाटर डिस्प्यूट इसको आप लोग थोड़ा कम करना चाहिए, इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट जब है तो आप लोग क्यों, हम लोग का तो गवर्नमेंट नहीं था वहाँ पर, जितना जब गवर्नमेंट ये डैम बना तो आप लोग का कुछ लोग का गवर्नमेंट था। इसमें आप लोग को भी देखना चाहिए कि हम लोग अभी अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट एक समझौता पे आया है, अच्छा से पानी जाए, यहाँ का पावर कैसे यूज होगा, यहाँ का पानी को कैसे हम लोग इरीगेशन में काम में लगाए, इसलिए दो चीफ मिनिस्टर बैठ के इसको बात किया है। हम लोग भी सांसद भी पास में बैठा है, मेरे को बोल रहा है या तुम बोलो, हम तो नहीं बोलेगा क्योंकि डैम इज इन अरुणाचल एंड डाउनस्ट्रीम इज इन असम, और बाद में क्या होगा ब्रह्मपुत्र को रुकवाने के लिए, ऐसा एक माइटी रिवर है जो रिवर आप लोग देखिए देख लिया, इतना बड़ा रिवर है अरुणाचल का, पांच जो बड़ा बड़ा नदी है इसमें आके गिर के यहाँ पर जो फ्लड का सिचुएशन करता है ये हम लोग के लिए बहुत डिजास्टर है। इसीलिए हम लोग कभी कभी बोला है इसको नेशनल डिजास्टर का रूप में घोषणा करना चाहिए। जो डिजास्टर है ये डिजास्टर देखने के लिए फंड्स जो है डेफिनेटली स्टेट को फंड कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा स्टेट को फंड, अगर कमी होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। इसीलिए माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्या इसको जो कमियाँ हैं बताया है उसको थोड़ा देखिएगा, और डाउनस्ट्रीम बोल के नहीं बड़ा डैम, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना कभी भी छोटा डैम का भी सेफ्टी का बात भी लाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बड़ा डैम का ही देखना चाहिए, छोटा डैम भी कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुँचाता है। कभी हम लोग देखा है नेप्को पानी जब छोड़ता है बिना पूछे छोड़ने का बाद धेमाजी टाउन और लखीमपुर में जो बहुत पानी का डिस्टर्बेंस आता है, आदमी को आर्टिफिशियल फ्लड में डूबते हैं। इसीलिए मैं ये छोटा डैम का भी ख्याल रखने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, और जो पावर है क्लीन पावर ग्रीन पावर जो भी बोले इसको और प्रोडक्शन करने के लिए ऐसा डैम का सेफ्टी, अगर आदमी का मन में सेफ्टी घुसेगा, आदमी का मन में जो डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है वो आदमी का मन में ये सब बात आएगा क्या डैम इज वेल, डैम पूरा अच्छा से कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाए हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, तो आदमी का वो विरोध जो होता है विरोध कम से कम कम होगा। और क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी तो नहीं है, ओनरशिप को भी लेना चाहिए, ओनरशिप का जो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मैं सोचता हूँ ओनरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और डाउनस्ट्रीम में इसको जैसा डाउनस्ट्रीम में आप लोग बोले डाउनस्ट्रीम का आदमी को भी सेफ्टी और अपस्ट्रीम का दोनों का सेफ्टी आप निश्चित कीजिए, ऐसे बोल के ये बिल को मैं सपोर्ट करता हूँ और आशा करता हूँ क्या
जो बड़ा डैम है 100 साल का डैम है उसका भी परीक्षण किया जाए, उसको भी देखा जाए। सेस्मिक जोन में नहीं है इसलिए आप लोग को पता नहीं है, लेकिन जो सेस्मिक जोन में होता है उसको भी टेंशन होता है। ये बिना सेस्मिक जोन में भी 100 साल जो क्रॉस किया, जो 20 साल क्रॉस किया उसका भी एक परीक्षण, साइंटिफिक स्टडी, ये नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल इसका तरफ इसको भी एग्जामिन किया जाए और आदमी को आश्वस्त किया जाए क्या इसका लाइफ टाइम क्या है। हम लोग का एक ब्रिज है सरायघाट, ब्रिटिश ने वहाँ से भेजता है क्या, सरायघाट ब्रिज का 100 साल का हम लोग टाइम दिया था इसको क्रॉस किया। ऐसे टाइम एक लिमिट भी होना चाहिए क्योंकि ये वाटर बम जैसा है। इसको देखने के लिए जो आप मंशा ठीक किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपने भी और आपका डिपार्टमेंट जो लाया है, जो डिटेल्स यहाँ पर मैंसन किया है, इसको भी मैं धन्यवाद देते हुए मेरा बात विराम, धन्यवाद।